आज हम बात करने वाले हैं एयरड्रॉप ऑल्टरनेटिव के बारे में। सो कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक नया फीचर आ रहा है विंडोज लैपटॉप साथ में एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, जिसका नाम है नियर बाय शेयर। तो आपको पता ही है जैसे कि चाइनीज कंपनी के काफी ज्यादा एप्स बैन हो चुके हैं, जिसमें कि शेयर इट, जेंडर वगैरह थे, जो कि आप काफी ज्यादा यूज में लेते थे कोई भी फाइल शेयर करनी हो तो, क्योंकि ऐसा कोई डिफॉल्ट ऐप नहीं है एंड्रॉइड के अंदर जिससे भी आप फाइल शेयर कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया फीचर एड ऑन कर रखा है जो कि डिफॉल्ट आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी बात है। जैसे कि आपको एप्पल में मिलता है एयर ड्रॉप, जिसमें आप कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं कोई भी फाइल, तो यहाँ पे भी आपको एक सेम टू सेम फीचर देने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में बात करने वाले नियर बाय शेयर के बारे में, जो कि एक नया फीचर एड ऑन हो रखा है स्मार्टफोन्स के अंदर, जो कि नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं और साथ ही में विंडोज लैपटॉप में भी ये आ जाएगा। तो कुछ मंथ पहले एक आर्टिकल वगैरह छपा था जिसमें एक नया फीचर एड ऑन होने की बात हुई थी, जिसका नाम है नियर बाय शेयर। नाम कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे स्मार्टफोन में ये फीचर एड ऑन हो चुका था। सो जैसे कि एयर ड्रॉप होता है, वहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने मैकबुक या फिर कोई भी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन, मतलब एप्पल टू एप्पल या फिर मैकबुक टू आपके आईफोन में आप शेयर कर सकते हैं फाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉइड के, यहाँ पे कोई भी ऐसा फीचर नहीं था, जैसे कि शेयर इट था वो कि अब चला गया क्योंकि चाइनीज कंपनी का वो यू नो ऐप था। तो अब यहाँ पे नया फीचर एड ऑन कर रखा है जिसका नाम है नियर बाय शेयर। सो ये रिसेंटली मेरे फोन में एड ऑन हो चुका है। सो ये मुझे काफी अच्छा फीचर लगा, जो कि डिफॉल्ट वर्जन आ रहा है एंड्रॉइड के अंदर ही, तो ये काफी अच्छी बात है। आपको थर्ड पार्टी ऐप्स कोई भी यूज करना नहीं पड़ेगा, तो आपकी सिक्योरिटी एक मेंटेन रहेगी इसमें और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, तो ये काफी अच्छी बात है और ये नियर फ्यूचर काफी अच्छा ये हो जाएगा। सो यहाँ पे इसकी हम स्पीड एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है OnePlus 6T स्मार्टफोन और साथ में OnePlus 6। तो ये हमारे पास OnePlus 6T और ये है हमारे पास OnePlus 6 स्मार्टफोन। तो यहाँ पे दोनों में आ चुका है नियर बाय शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकन बन रखा है नियर बाय शेयर का, और आपके स्मार्टफोन में नहीं है आप एड ऑप्शन में जाइए, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। सो नियर बाय शेयर अभी सिर्फ एंड्रॉइड 7 या उसके ऊपर वाले वर्जन के लिए निकला हुआ है, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड 7 या उससे नीचे वाला है तो डेफिनेटली आपको ये ऑप्शन देने नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये नियर बाय शेयर है, यहाँ पे इसका थोड़ा यूआई आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे पीयूष खानी लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पे डिवाइस विजिबिलिटी और यहाँ पे बाकी सब कुछ लिखा है, डिवाइस नेम। सेम टू सेम फीचर यहाँ पे 6 में आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर बाय शेयर सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हम कुछ फाइल शेयर करेंगे, कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, वो आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये है एंड्रॉइड, ये हमारे पास OnePlus 6T, ये है मेरे पास कुछ फाइल जो कि है 1.66 MB की। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे शेयर, यहाँ पे हम करते हैं कुछ स्पीड टेस्ट इसका, कितने मिनट में या फिर कितने सेकंड्स में शेयर होती है फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन देने में मिल जाएगा यहाँ पे नियर बाय शेयर का, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यह एक्सेस कुछ मांगेगा आपका ब्लूटूथ, GPS और साथ ही में वाईफाई का। तो यहाँ पे आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर डेफिनेटली इसको टर्न ऑन कर दीजिए और ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। क्लिक ऑन करें ऑन डन, फिर यहाँ पे इसका GPS ऑन कर दीजिए लोकेशन के लिए और ये अपने आप ही ऑन हो गया। ये देखते हैं आप पे अपने आप ही ऑन होगा, नीचे से आप ऑन कर दीजिए, फिर मैनुअली इसको अपने आप ऑन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है OnePlus 6 दूसरा डिवाइस जो कि हम इसमें करेंगे ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैनुअली ऑन करना पड़ेगा, पहले आपको ब्लूटूथ, उसके बाद GPS, उसके बाद वाईफाई, तीनों एक साथ ऑन कर दीजिए मैनुअली, अपने आप ही एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो क्लिक कर दीजिए और ये अपने आप ही ऑन हो चुका है। इसको रखेंगे नीचे, यहाँ के देख सकते हैं साइड बाय साइड रखा है, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है आयुष फोन, तो दूसरा वाला आयुष फोन है, क्लिक किया यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है दूसरे स्मार्टफोन में और ये अपने आप ही शेयर हो जाएगी फाइल। तो कुछ सेकंड्स लगते हैं यहाँ पे शेयर होने के लिए, तो ये देखिए फाइल शेयर हो चुकी है और ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है दूसरे स्मार्टफोन में। तो ये कुछ काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को, बाकी जितने भी चाइनीज ऐप्स है वो सब कुछ गायब हो चुके हैं, अब ये अच्छा डिफॉल्ट वर्जन आ चुका है। ये डिटेल्स देख सकते हैं, ये है 1.48 GB की फाइल जो कि एक वीडियो फाइल 5 मिनट की। तो ये हम करेंगे शेयर इससे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नियर बाय शेयर को, ये ऑप्शन आ चुका है लुकिंग फॉर नियर बाय डिवाइस, सब कुछ डेफिनेटली ऑन है पहले से। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पैनल में, तो यहाँ पे देखते हैं नियर बाय आयुष पठानी फोन आ गया, फिर से एक्सेप्ट करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइम लगा था, 1.48 GB काफ़ी बड़ी फाइल होती है, तो यहाँ पे इसमें नियरली 10 मिनट्स लग गए थे जब मैंने इसको पूरा ओवरऑल देखा था, तो यहाँ पे 10 मिनट्स ओवरऑल हो चुके थे। साथ ही में इन द नियर फ्यूचर इसके काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं नियर बाय शेयर के, जिससे काफ़ी अच्छा पावरफुल सिस्टम हो जाएगा, जिससे काफ़ी जल्दी फाइल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इवन जो आपके क्रोम बुक्स हैं लैपटॉप्स के, वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देने में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से क्रोम बुक में ट्रांसफर कर सकते विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप्स, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हर बार हमें थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करके हमें कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी पड़ती थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो दैट्स इट फॉर गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो एंड आल्सो हिट द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। अंटिल देन गुड बाय।